back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Gifts. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. In our today's class, we'll discuss the second topic of life processes, that would be respiration. अभी तक previous class में हमने discuss किया था what is nutrition. It is the process of obtaining food. Now what is respiration? आपको रेस्पिरेशन डिटेल में समझ आएगा टिल द एंड ऑफ द वीडियो, बिकॉज रेस्पिरेशन कोई छोटा सा प्रोसेस नहीं है जो आप डिफाइन करके समझ सको. सो आई विल स्टिल गिव द डेफिनेशन. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज इन सेलुलर लेवल टू रिलीज एनर्जी. मतलब डाइजेशन में हमने किया था कि फूड ब्रेकडाउन होता है. अब हम बोल रहे हैं कि फूड ब्रेकडाउन होगा पर सेलुलर लेवल पे, मतलब सेल के लेवल पे, इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी. तो वो एनर्जी रिलीज करने के लिए जब फूड का दोबारा से ब्रेकडाउन होगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. आई नो जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं रेस्पिरेशन विद ब्रीदिंग, कि हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, सो दैट इज रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. मतलब ब्रीदिंग कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं होगा, इट इज जस्ट अ पार्ट. अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है. अगर हम बात करें, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने लास्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम किया था जिसमें डाइजेशन कंप्लीट होती थी. अब इसमें रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, ये सिस्टम कौन सा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर हम देखें इसमें देयर इज नेजल पैसेज. नेजल पैसेजेस आर नोज, जहां से हम एयर को ब्रीद इन करते हैं. और नोज में देयर इज फाइन हेयर्स एंड म्यूकस. अगर हम नोज में देखें तो नोज से जहां से हम ब्रीद कर रहे हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, वहां पर फाइन हेयर्स होते हैं और देयर इज म्यूकस. अब इसका रोल क्या होगा, जब हम एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स में, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी एंटर कर सकते हैं हमारी बॉडी में. दैट इज नॉट हेल्दी फॉर अस. तो हम नहीं चाहेंगे कि वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करें. तो फाइन हेयर्स एंड म्यूकस प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी, ताकि हम उन्हें इनहेल ना कर लें. नेक्स्ट, अब देखो आपने एयर ब्रीदिंग की, एयर ब्रीदिंग करके जा रही है यहां से. मोस्ट ऑफ द एयर वी ब्रीद इज थ्रू आवर नोज. मतलब मोस्टली तो नोज से ब्रीद करेंगे, बाकी एयर कहां से आएगी, माउथ से. नेक्स्ट इज फैरिंग्स. अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो हमने वो देखा था, माउथ से स्टार्ट हुआ था एंड एक ट्यूब जा रही थी. एक ट्यूब में सबसे पहले नीचे क्या आता था, स्टमक. अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद होगा तो ये क्या था, यहां पर स्टमक. अब हम बोल रहे हैं कि माउथ से दो पाइप निकल रहे हैं, एक पाइप है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है और एक पाइप है जो फूड पाइप है. मतलब एक विंड के लिए पाइप होगा, हवा के लिए पाइप होगा, और एक किसके लिए पाइप है, फूड के लिए. तो फेरिंग्स वो कॉमन पॉइंट होता है जहां से फूड और एयर पास करते हैं. मतलब यहां से फूड और एयर दोनों आ रहे हैं, इसके बाद एक पाइप अलग हो जाएगा, यहां से एक पाइप अलग हो जाएगा और दूसरा पाइप ये वाला होगा. मतलब विंड पाइप तो ये रहा जहां पे एयर जाएगी, और जो फूड पाइप था वो फेरिंग्स के बाद से ही अलग पाइप हो गया. मतलब ऊपर तक एक ही पाइप था, आगे जाके वो दो पाइप हो गए. एक पाइप किसके लिए होगा, डाइजेशन के लिए. एक पाइप किसके लिए होगा, रेस्पिरेशन के लिए. हम सांस लेते हैं उसकी एक अलग पाइप है, और जहां पर हमारा खाना जाता है उसका पाइप डिफरेंट है. अब फेरिंग्स इज द कॉमन पॉइंट फॉर फूड एंड एयर. नेक्स्ट इज लैरिंग्स. लैरिंग्स होता है हमारा साउंड बॉक्स, यहां पर जहां पे हम बोल पा रहे हैं या डिफरेंट वॉइसेस प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज यूजिंग साउंड बॉक्स, और उसे हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स. अब लैरिंग्स के बाद देयर इज विंड पाइप. जैसे डाइजेशन में क्या था, फूड पाइप, यहां पर कौन सा पाइप है, विंड पाइप. और विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्राकिया. तो पहले नेजल पैसेज, फेरिंग्स कॉमन पॉइंट, लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स. और जो लैरिंग्स होता है वहां पर एक फ्लैप होती है, लैरिंग्स की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस. जहां पर लैरिंग्स ओपन हो रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, ग्लॉटिस. और ग्लॉटिस के ऊपर एक फ्लैप, एक लीफ लाइक फ्लैप होती है जो कवर करती है लैरिंग्स को. क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो हमारी सांस लेने वाली पाइप में नहीं जाना चाहिए, तो एक फ्लैप होगी जब हम खाना खाएंगे तो वो इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को बंद कर देगी कि हमारा खाना किसमें जाएगा, फूड पाइप में, और खाना किसमें नहीं जाएगा, विंड पाइप में.
what is the role of epiglottis? It is a leaf-like structure on the larynx, on the opening of larynx, so that food does not go into the respiratory tract and food goes into the digestive tract. तो अब यहाँ पर food आया larynx, यहाँ पर air आ रही है larynx में. Larynx के बाद ये क्या है, एक windpipe को हम trachea भी बोलते हैं. और अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर C shape कुछ draw किया है मैंने. This C shape rings is known as rings of cartilage. क्या बोलते हैं, rings of cartilage. आपने class 9th में किया होगा. cartilage एक ऐसा टिश्यू होता है जो बोन से सिमिलर होता है पर काफी सॉफ्ट होता है, जो हमारे ईयर्स में होता है, नोज में होता है, वही सेम यहाँ ट्राकिया पर भी होता है. कार्टिलेज सॉफ्ट होता है. अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रोल क्या होगा. अब देखो, हम एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं, फिर सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं. तो अब सोच के देखो, इमेजिनरी आपके हाथ में एक पॉलीथीन है और उस पॉलीथीन में आप हवा डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो, हवा डाल रहे हो और वो निकाल रहे हो, तो वो फट सकता है, वो कोलैप्स हो सकता है. तो हमने यहां से उसको बांध दिया. तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रोल क्या होगा, इट प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको प्रिवेंट करते हैं ताकि जो ये विंड पाइप है ये कोलैप्स ना कर जाए जब एयर आ रही है और जा रही है. तो आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का रोल समझ आ गया होगा. नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्राकिया, उसके ऊपर है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. और उसके बाद आते हैं हमारे दो लंग्स, लंग्स जिससे हम रिस्पायर करते हैं. और लंग्स फर्दर डिवाइडेड होते हैं ब्रोंकाई में. आप देखो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई. और ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस निकल रही है. यहाँ पर भी ब्रांच निकल रही है, एक और ब्रांच निकल रही है, उसके बाद जो ब्रांच निकलती है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकिओल्स. तो लंग्स डिवाइड हुए ब्रोंकाई में और ब्रोंकाई किसमें डिवाइड हुए, ब्रोंकिओल्स में. अब ब्रोंकिओल्स के बाद जो लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है बेलून शेप, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई. ये बेलून शेप स्ट्रक्चर क्या है, एल्वियोलाई. और अगर आप ध्यान से देखो, जो ये लंग्स हैं, ये लंग्स प्रोटेक्टेड हैं एक रिब केज में. रिब केज का मतलब है जैसे आपने लंग्स को रखना था, लंग्स को रखने के लिए आपने कुछ एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है, केज. जैसे हम पिंजरे में रखते हैं ना किसी चीज को, ऐसे लंग्स का पिंजरा क्या है, रिब केज. दोनों साइड रिब केज होगा, सिर्फ यहां पर शो किया है. तो ये स्ट्रक्चर क्या है, रिब केज. जैसे आप एज्यूम कर सकते हो पेन स्टैंड है और पेन स्टैंड में आप क्या रख रहे हो, पेन्स. तो जो पेन स्टैंड है, जो उसे बांध के रख रहा है, वो क्या है यहाँ पर, रिब केज. अब वैसे तो यहाँ पर लंग्स है, लंग्स किसमें है, रिब केज में. अगर हम लंग्स को अपने हाथ से बाहर निकाल दें, हाइपोथेटिकली, ऐसा कुछ है नहीं, आपको पता होगा एक वर्ड होता है कैविटी. कैविटी का मतलब होता है होलो चीज, जो खाली है उसे हम क्या बोलेंगे, कैविटी. तो जैसे ही हमने लंग्स को निकाल दिया तो यहाँ पर पूरी खाली जगह बच गई. जो वो खाली जगह होती है, जो वो कैविटी होती है लंग की, उसे हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी. उस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, थोरेसिक कैविटी. तो आई होप आपको डायग्राम में, लेबलिंग में सब कुछ समझ आया होगा. एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज डायफ्राम, जिसपे हमारे लंग्स रेस्ट करते हैं. अगर आपको अभी भी ये क्लियर नहीं है तो आप एनसीईआरटी में अपना डायग्राम देखना, उसमें आप देखोगे कि डायफ्राम के ऊपर क्या है, लंग्स. और अगर आप डाइजेस्टिव ट्रैक में जाओगे तो डायफ्राम के नीचे सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर. मतलब बेसिकली हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक भी होता है. फेरिंग सब कॉमन पॉइंट होता है, उसके बाद दो पाइप स्टार्ट हो जाते हैं, एक रेस्पिरेटरी के और एक डाइजेस्टिव के. रेस्पिरेटरी डायफ्राम तो खत्म हो जाएगा, इसके नीचे कौन सा ट्रैक आएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक. तो आई होप आपको ये डायग्राम क्लियर हुआ होगा. अब हम देखेंगे हम एयर ब्रीथ कैसे करते हैं, मतलब ब्रीदिंग का प्रोसेस होगा कैसे. ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे इट इज द इनहेल ऑफ गैस. हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, दैट इज रिच इन ऑक्सीजन. हम गैस इनहेल कर रहे हैं जो किसमें रिच है, ऑक्सीजन में. और हम गैस एक्सहेल करते हैं जो किसमें रिच होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में. मतलब हमने जो इनहेल की वो ऑक्सीजन थी, जो एक्सहेल कर रहे हैं वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब आप देखो ये प्रोसेस होगा कैसे. जो ये डायफ्राम है जिसके ऊपर ये लंग्स रेस्ट कर रहे हैं, पहले तो आप देखो डायफ्राम क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है. जैसे मान लो डायफ्राम ने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऐसे हो गया,
आप देखो लंग की जो कैविटी है, जो ये लंग का एरिया है, वो बहुत इंक्रीज हो गया। डायफ्राम ने जैसे ही कंट्रैक्ट किया, लंग्स की जो कैविटी का एरिया था, जो लंग्स का एरिया था, वो इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वॉल्यूम क्या हो गई इसकी, इंक्रीज। जब डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज कैसे होता है, मान लो यहां पर फाइव पार्टिकल्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्टिकल्स हैं, और यहां पर भी सेम सिक्स पार्टिकल्स हैं। अब इनके पास छोटी सी जगह है, ये ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ी तो ये उतना प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करके देखो, अगर आप एक क्लास में हो और छोटे से रूम में हो, वहां पे टीचर आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा पाएगी। अगर आप बहुत बड़े रूम में चले जाते हो और अगर आप उतने ही स्टूडेंट्स हो तो प्रेशर उतना नहीं लग पाएगा। तो बेसिकली जब वॉल्यूम बढ़ती है और पार्टिकल सेम रहते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो अभी हमने देखा डायफ्राम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गया। अंदर प्रेशर डिक्रीज हुआ, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से एयर कहां आ जाएगी, अंदर। आई होप आपको इनहेलेशन का प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। इनहेलेशन में क्या हुआ, इनहेलेशन में ये हुआ कि जैसे आपने एयर ब्रीद इन की, उसके लिए क्या प्रोसेस हुआ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया। डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने से वॉल्यूम इंक्रीज हुई। वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर के डिक्रीज होने से अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है। गैस आपने इनहेल कर ली, कौन सी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अब आपकी यहां आ रही है, यहां आई, नीचे आई, लंग्स में आई, लंग्स के बाद गई एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हमारे लिए। एल्वियोलाई इंपॉर्टेंट कैसे होता है, अगर आप एल्वियोलाई की बात करें तो एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखो, बेलून लाइक स्ट्रक्चर है। अब जैसे हमने डाइजेशन में भी किया था, विलाई का स्ट्रक्चर ऐसे होता था। तो इससे होगा क्या, एब्जॉर्प्टिव एरिया इंक्रीज हो जाता था। इसमें भी क्या होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। और जो एल्वियोलाई होते हैं यही कनेक्टेड होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ डायरेक्टली। यहां पर ब्लड है, अब देखो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहां तक आई, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई का रोल क्या होगा, इट हैज लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस, ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू हेयर। मतलब एल्वियोलाई ऑक्सीजन किसको दे देगा, ब्लड को, यही पर जाकर रेस्पिरेशन स्टार्ट होगी। आप देखो डाइजेशन में हम क्या कर रहे थे, ये हमने डाइजेशन में देखा था कि खाने का ब्रेकडाउन हुआ, खाना ब्रेकडाउन होकर, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकडाउन होकर क्या बन रहा था, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे पास आ गया। अब जो ग्लूकोज है वो सारे सेल्स के पास जा रहा था ताकि सेल्स उसे क्या कर सके, एब्जॉर्ब। अब यहां पर क्या हो रहा है, जब ग्लूकोज जा रहा है, ब्लड किसको लेकर आ रहा है, ग्लूकोज को, सारे सेल्स के पास। अब ब्लड जब ग्लूकोज को लेकर आ रहा है, जब हमने इनहेल की, तो अब ब्लड के पास सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, ब्लड के पास ऑक्सीजन भी आ गया। ब्लड के पास सिर्फ ग्लूकोज नहीं है, ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स भी है, मतलब ग्लूकोज है और क्या है, ऑक्सीजन। अब जब ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों होंगे तो इसका जब ब्रेकडाउन होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने जो न्यूट्रिएंट्स लिए वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होंगे। जैसे ये ब्लड लेकर आया न्यूट्रिएंट्स, अब सारे न्यूट्रिएंट्स कहां जाएंगे, सारे सेल के पास। सब सेल के पास ऑक्सीजन भी आई और न्यूट्रिएंट्स भी आए, सारे सेल ऑक्सीजन भी यूज कर लेंगे, न्यूट्रिएंट्स भी अपने पास रखेंगे, और रिलीज कौन सी गैस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ब्लड आ रहा है, ब्लड के पास कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक्सहेलेशन के प्रोसेस में क्या होगा, डायफ्राम पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब ये रिलैक्स कर जाएगा। अब आप देखो रिलैक्स कैसे करेगा, ऐसे हो गया रिलैक्स। रिलैक्स हुआ तो आप देखो इसकी वॉल्यूम कम हो गई, वॉल्यूम कम हो गई, पहले वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अब अंदर प्रेशर बढ़ गया है, अंदर प्रेशर बढ़ गया है, बाहर प्रेशर कम है, तो गैस कहां चली जाएगी, बाहर। अगर आपको दोनों केसेस समझ आए हो तो आप ध्यान से एक बार और सुनो। हम क्या कर रहे थे, पहले डायफ्राम हो रहा था कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से वॉल्यूम बढ़ रही थी, वॉल्यूम बढ़ रही थी तो प्रेशर कम हो रहा था, अंदर प्रेशर कम हुआ, बाहर प्रेशर ज्यादा था, ऑक्सीजन आई,
ऑक्सीजन आई कहाँ तक पहुंची? एल्वियोलाई तक. एल्वियोलाई अब एक्सचेंज कर देगा इसको ब्लड के पास. ब्लड के पास न्यूट्रिएंट्स भी है, वो ऑक्सीजन भी आ गई. अब ब्लड इन सबको सेल्स के पास लेकर जाएगा. मतलब डाइजेशन के प्रोसेस में हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे थे, पर ब्लड के पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, क्योंकि सारे सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी. अब ये न्यूट्रिएंट्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जाएंगे सारे सेल्स के पास, तो सेल्स ऑक्सीजन ले लेंगे और क्या रिलीज कर देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कौन सी गैस अब रिलीज हो गई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो अब ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई, वो एल्वियोलाई के पास आई. एल्वियोलाई को कौन सी गैस दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड. अब डायफ्राम रिलैक्स हो गया. जब डायफ्राम रिलैक्स हुआ, वॉल्यूम कम हो गई. वॉल्यूम कम हुई, प्रेशर इंक्रीज हो गया. अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो गैस कहाँ चली गई? बाहर. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. जब गैस अंदर आई थी तो इनहेलेशन, बाहर गई थी तो एक्सहेलेशन. और हमने इसमें रेस्पिरेशन भी स्टडी कर लिया, क्योंकि गैस में जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रिएंट्स के साथ ब्रेक करके क्या रिलीज करती है? कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस में क्लियर होगा. अब अगर हम बात करें, जो ये रेस्पिरेशन हुई, ये हुई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ह्यूमंस में होती भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही है. तो अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या था न्यूट्रिएंट्स में? ग्लूकोज. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6. ये जब साइटोप्लाज्म में, सब कुछ सेल है, सेल के पास जो लिक्विड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. जो फ्लूइड पार्ट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म. अब ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक होता है पाइरूवेट में. मतलब ग्लूकोज डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाता, ग्लूकोज पहले ब्रेकडाउन होता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में, इसको हम बोलते हैं पाइरूवेट. और पाइरूवेट में होते हैं 3 कार्बन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज चेंज इनटू पाइरूवेट. अभी अब देखो, कार्बन 6 मॉलिक्यूल है, मतलब 6 कार्बन है. अब जब सेल्स में इसे अब्सॉर्ब करना है, तो कार्बन बिल्कुल सिंप्लीफाइड होना चाहिए. 6 कार्बन का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या होगा? 1 कार्बन. अब वो 1 कार्बन आएगा कैसे? पहले ही इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ, तो कितने कार्बन आ गए? 3 कार्बन. अब ये दोबारा कन्वर्ट होगा, अब ये 3 कार्बन के बजाय इससे और ज्यादा में ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक हुआ. और 3 कार्बन के बजाय कितने कार्बन बचे? 1 कार्बन, क्योंकि कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. और वाटर रिलीज हुआ. और जब हमने खाने को ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन किया है, तो सेल्स को क्या मिलेगी? बहुत सारी एनर्जी. और अगर आपको क्लास 9th में याद हो, तो एनर्जी जो सेल ऑर्गेनेल प्रोड्यूस करता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते थे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी रिलीज होगी. और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल. आपने क्लास 9th में ये भी किया था, ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. मतलब करेंसी ATP है, और एनर्जी मिलती कहाँ है? पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. और कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 36 ATP मॉलिक्यूल्स. ये हमने प्रोसेस किया था जो हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं. वन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज द रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन नहीं होगी और तब ग्लूकोज ब्रेक होगा, तो होगी एनएरोबिक. और एरोबिक जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो. तो हमने ये वाला केस तो देख लिया, ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिलीज हुई? CO2, वाटर और एनर्जी. अब हम देखते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? आपने देखा होगा, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस ब्रीदिंग कम आ रही होती है अंदर, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ऑक्सीजन तो उतनी है, तो ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा नहीं पाएगी. मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन से हम कम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं अंदर. अगर हम कम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना होकर वो रिएक्शन होगा इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, या ऑलमोस्ट इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. तो उसमें क्या होगा? पहले बनता है CO2, वाटर और बहुत सारी एनर्जी. आपने देखा होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको थोड़े दिन तक क्रैम्प्स रहते हैं. क्रैम्प्स का मतलब दर्द फील होती है, कि आपकी बॉडी मसल्स रिलैक्स नहीं कर रही होती है. उसका रीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड से वापस चली जाती है, जैसे ऑक्सीजन सेल्स लेकर गए सारे सेल्स के पास, ब्लड लेकर गया सारे सेल्स के पास, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वापस ले गया, एल्वियोलाई से बाहर निकाल दी. पर जो लैक्टिक एसिड बनती है, अगर ये फॉर्म होती है
तो ब्लड में ये एब्जॉर्बेबल नहीं होती है। अगर ब्लड से एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। तो रीजन क्या होगा, व्हाई डू वी फील क्रैम्प्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाता है, लैक्टिक एसिड, ड्यू टू विच इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आर मसल्स। अब हमारी मसल्स में कुछ एक्यूमुलेट हो गया है, अब तो कुछ अगर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या हम रेगुलर रेस्पिरेशन कर पाएंगे? कुछ अगर एक्यूमुलेट हो गया तो हमें हमारे लिए कैसा रहेगा, पेनफुल एक्सपीरियंस। तो अगर नॉर्मल ग्लूकोज ब्रेक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में तो रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और बहुत सारी एनर्जी। पर अगर यही चीज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हो तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। और अगर इसका साइट पूछे तो यू हैव टू राइट इन आर मसल सेल्स, मतलब हमारे मसल के जो सेल्स है वहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, लैक्टिक एसिड, जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा जिसकी वजह से हमें क्रैम्प्स भी हो गए। आपको बस यही लिखना है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी। नेक्स्ट अगर हम देखें एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल तो ये होता है यीस्ट में। आपने क्लास 9th में एक प्रोसेस किया होगा फर्मेंटेशन, ये सेम फर्मेंटेशन प्रोसेस ही है। फर्मेंटेशन प्रोसेस हम क्लास 8 में करते थे जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो यूजफुल जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यीस्ट फंगाई ये हमारे लिए इतने डिसएडवांटेजेस या डेंजरस नहीं होते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल सिचुएशन में यूज किया जाए तो इनसे कुछ फ्रूटफुल भी मिल सकता है। जैसे आप ग्रेप फ्रूट को रख दो तो वो वाइन में कन्वर्ट हो सकता है या बियर में कन्वर्ट हो सकता है, एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को एल्कोहल में अपनी फेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट करवाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना फर्मेंटेशन में, आपको बस ये देखना है कि जब ये ईस्ट की प्रेजेंस में होगा और जो ग्लूकोज होगा हमारे पास, जो शुगर ग्लूकोज है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। और अगर आपने कार्बोनेट्स कंपाउंड्स किया है तो आपको पता होगा इथेनॉल जिसको बिलोंग करता है एल्कोहल ग्रुप को, एथ का मतलब टू कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, ऑल का मतलब OH, तो फॉर्मूला बन गया CH3CH2OH। और क्या रिलीज हुई, CO2 और बहुत कम एनर्जी, क्योंकि जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है रिलीज तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो तो एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल। और अगर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी तो वो होती है पावर हाउस में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई है तो वो नॉर्मल कहाँ रिलीज होती है, साइटोप्लाज्म में। तो इसकी लोकेशन होगी साइटोप्लाज्म। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल डिस्कस रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे, मतलब आप सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, पर फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस दैट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। मतलब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको लाइट कब मिलेगी, जब लाइट मिलेगी तभी खाना प्रोड्यूस होगा, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। और अगर हम नेक्स्ट बात करें रेस्पिरेशन की, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन अकर होता है थ्रू आउट द डे। फोटोसिंथेसिस क्या होगा, सिर्फ डे टाइम में, और ये होगा डे प्लस नाइट टाइम में। अब हम देखते हैं इससे होगा क्या। अगर हम डे टाइम की बात करें तो प्लांट रेस्पायर तो पूरा दिन कर रहे हैं। अगर वो रेस्पायर करेंगे मतलब वो क्या इनहेल कर रहे होंगे, ऑक्सीजन, और क्या रिलीज कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सबको लगता है कि प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं करते हैं। पर आप सोचो प्लांट ने रेस्पायर किया तो ऑक्सीजन ली और क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। पर दिन का टाइम है, प्लांट इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से यूज कर लेगा फॉर फोटोसिंथेसिस, और फाइनल प्रोडक्ट क्या रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन। तो आपको मेन क्या दिख रहा है कि क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन। तो डे टाइम में जो मेजर एक्सचेंज होता है दैट इज ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन ब्रीद की, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर उसने CO2 इनहेल की और ऑक्सीजन रिलीज कर दी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो जो CO2 रिलीज कर रहा था उसको यूज करके नेट क्या रिलीज कर रहा है, वो ऑक्सीजन। तो प्लांट्स दिन में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। अब हम नाइट टाइम की बात करते हैं,
रात को प्लांट्स क्या इनहेल कर रहे हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन तो पूरा दिन करना है, और रिलीज क्या करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस से? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या ये प्लांट अभी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। तो नाइट टाइम में जो मेजर एक्सचेंज होगा वो कौन सी गैस का होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और डे टाइम में जो मेजर एक्सचेंज होगा वो होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करता है उसे यूज करके फिर क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन गेन करके और नेट क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और डे टाइम में ऑक्सीजन। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज मोर देन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। मतलब एक्वेटिक एनिमल्स जो प्लांट्स जो उसमें रहते हैं वॉटर में, उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो ग्रेटर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। टेरेस्ट्रियल का मतलब जो कहां रहते हैं? लैंड। इसका रीजन क्या होगा? लैंड में जो ऑक्सीजन है वो काफी अबंडेंट है, मतलब बहुत अच्छी सप्लाई है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है। सिंस द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज लेस, वहां पर क्वांटिटी कम है, ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो उन्हें ब्रीदिंग जल्दी 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 करनी पड़ती है। तो इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट क्या हुआ? ज्यादा। देयर ब्रीदिंग रेट इज मोर सिंस अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज लेस इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी हाउ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। अभी हमने देखा था इनहेल ऑफ गैसेज में हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लास्ट वो कहां तक जाती है? एल्वियोलाई तक। फिर एल्वियोलाई कैसे डिजाइंड है? इट हैज मैक्सिमम सर्फेस एरिया टू मेक द एक्सचेंज ऑफ गैसेज पॉसिबल, ऑल्सो इट हैज थिन वॉल्स ताकि एक्सचेंज अच्छे से हो पाए। वहां से वो ऑक्सीजन को कहां ट्रांसफर कर देगा? ब्लड में। ब्लड सारे सेल्स के पास लेकर जाएगा, सेल्स CO2 रिलीज करेंगे और वो एक्सेलेरेशन के प्रोसेस से बाहर आ जाएगी और रेस्पिरेशन कंप्लीट। तो O2 और CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो O2 होती है आपको पता होगा ब्लड के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, आपने क्लास नाइन्थ में भी किया है, अदरवाइज हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे इसे। अभी नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम ब्लड को देखें तो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा, RBCs एंड WBCs। अभी वाइट ब्लड सेल्स का इतना रोल नहीं है तो हम प्लाज्मा और RBCs की बात करेंगे। RBCs में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स। रेस्पिरेटरी का जो पिगमेंट होता है ब्लड है, ब्लड रिस्पायर करा रहे हैं, और वो जो मेन पिगमेंट है वो क्या होता है RBCs में? हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी काफी ज्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, मतलब काफी लगाव है इसको ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। करता ब्लड ही है, पर ब्लड का कौन सा पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन। और ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं, वो उसमें सोल्यूबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड प्लाज्मा। और ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। एंड व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स? दैट इज आल्सो हीमोग्लोबिन। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दे वर एरोबिक रेस्पिरेशन दैट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनएरोबिक दैट हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देन वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेशन जिसमें हमने इनहेलेशन डिस्कस किया था, एक्सहेलेशन डिस्कस किया था, डायफ्राम, ट्राकिया सबके रोल्स, एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, how are they designed, then we discuss about respiration in plants and also about the breeding rate of aquatic animals. So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please share this video with your friends as well. I hope you all have a nice day. Thanks for watching.